और जब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई डायरेक्ट हमको रिपोर्ट करे वीकली आधार पर, सरकार से एग्जीक्यूटिव पावर्स ले ली जब कोर्ट ने, तब जाके नहीं एग्जीक्यूटिव पावर सरकार से नहीं ली, उन्होंने कहा कि सीबीआई को कई इंक्वायरी हो और रिपोर्ट करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2G में कि हमको रिपोर्ट करिए, हम देखेंगे साप्ताहिक आधार पर कि जांच कैसी चल रही है। इसका मतलब सरकार पर उतना भरोसा नहीं। नहीं देखिए, ये इसका सरकार पे भरोसे का सवाल नहीं है, क्योंकि एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि इसका मौका हम किसी को न दे कि अपोजिशन वाले कह दे इसने किया उसने किया, तो उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग करेंगे। और ये एक में नहीं है, सुनिए नहीं, वहां पे पूरे सारे केसेस में, क्रिमिनल केसेस में गुजरात में मॉनिटरिंग कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो बीजेपी को फिर कह दीजिए कि बीजेपी के लोग तो सबसे ज्यादा इस मामले में खराब है, क्योंकि सारे केसेस में मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ठीक, जहां उसको लगता है कि सिस्टम भरोसे लायक नहीं, नहीं तो कह रहा हूँ उसका मतलब है, बिल्कुल फिर, ये फिर, इसका अर्थ यही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में सरकार करने के लायक नहीं है, अगर इसको आपके आर्गुमेंट को मान लिया जाए। लेकिन देश को ऐसा तो नहीं छोड़ा जा सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन सा बड़ा नेता ऐसा है कि जो किसी न किसी इल्जाम में मुब्तला नहीं है आज? ये हमारी बदकिस्मती है, बदकिस्मती इसलिए है ये कि ये सिस्टम को डेमोलिश करने की एक साजिश है कि क्योस पैदा हो जाए। मजदूर साहब, एक शेर कहूंगा उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा, समय हो रहा है ब्रेक का। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। मजदूर साहब बस एक ब्रेक पर जाना है, अभी ब्रेक पर गए, यूं गए और यूं आए। Meta magic from PassPass. It's Meta. It's magic. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मसूद साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है? आपका सूबा है, आपकी सरकार। देखिए, अभी आपने केंद्र के बारे में एक बात कही थी, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, हमारा तो बच्चा ही है, हम उनके वालिद के साथ ही हैं, हम चाहते भी हैं कि बेचारा कामयाब भी हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि पंचम तल के इंचार्ज की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसलिए फैसला आज करते हैं, दूसरे दिन वापस होता है, कभी किसी का ट्रांसफर करेंगे फिर वापस करेंगे, किसी को भी कोई ताकत देंगे फिर वापस लेंगे, तो बेचारा चल कहाँ रही हूँ। मल्टी मतलब यह है कि पावर सेंटर्स बन गए, क्यों नहीं बन पा रहा? इसलिए कि चीफ मिनिस्टर का दायरा सिर्फ पंचम तल महदूद है, उसके बाहर उनका रिट नहीं चलता है, उसके बाद कई सुपर चीफ मिनिस्टर्स हैं, फिर उनकी बात चलती है। कौन कौन लोग हैं सुपर चीफ? देखिए, मैं नाम क्या लूँ, आप जानते हो, क्योंकि नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि 3-4 सेंटर हैं और इसीलिए वो बार बार डिसीजंस के होता है और गलत होता है। एक बयान प्रॉब्लम क्या है महसूस? आप तो देखिए उस फैमिली के बहुत नजदीक रहे, नेताजी के साथ आपको बहुत अच्छा रिश्ता रहा, कहाँ पर प्रॉब्लम है? विद इन द फैमिली, परिवार के बीच का झंझट है या पार्टी के बीच की लड़ाई है? विद इन द पार्टी, परिवार में झंझट नहीं। अच्छा, आप सुनिए ना कि एक आदमी एक बात कहता है मोहन सिंह और उसे प्रवक्ता से हटा देते हैं, फिर वही बात, फिर उन्होंने एक मुझे इंटरव्यू दिया उस पर भी बवाल हुआ उनको, मोहन सिंह जी को एक चिट्ठी लिख के वो करना पड़ा उसका खंडन। तो मैं ये कह रहा हूँ ये पोजीशन है। अब आप बात सुनिए, शायद सिद्दीकी साहब को निकाला, मैं नहीं शायद सिद्दीकी साहब को कभी अच्छा आदमी नहीं समझा, ना पसंद करता हूँ, मेरी अपनी जाति राय उनके बारे में ठीक नहीं, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट है, उनका पेशा है इंटरव्यू लेना, उन्होंने एक इंटरव्यू किसी भी अल्टीरियर मोटिव से ही सही
लिया, ठीक है, नरेंद्र मोदी का लिया पेशे के लिहाज से, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है और मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी के सांस से भी मुलायम सिंह जी को नफरत है। आचार्य ये स्वामी रामदेव खूब गले मिलते हैं, खूब तारीफ करते हैं मोदी की जी, और जब लखनऊ पहुंचते हैं तो अखिलेश जी उनको बाहर छोड़ने आते हैं और पैर छूते हैं। हाँ, उनके घर भी मेहमान नवाजी होती है। ये दोहरी जब बात चलेगी, आप सिर्फ ये समझ रहे हो कि मुसलमान हमने शाहिद सिद्दीक को निकाल दिया, तो समझ रहा है कि भाई मोदी ने किस सांस के पास बैठ गया था उसने निकल दिया, और जो आदमी उसकी तारीफ कर रहा है उसके साथ खड़ा है आप उसके मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हो। मसूद साहब, अमर सिंह कहते हैं कि ये अंकल सिंड्रोम है जिसकी चपेट में आ गए अखिलेश जी। ये किसी हद तक मुमकिन हो सकता है, मैं किसी एक अंकल की बात नहीं कर रहा हूँ, अंकल सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ। अंकल सिंड्रोम जी, क्योंकि एक अंकल नहीं है, कई अंकल है, सारे ही अंकल। हाँ, सारे ही अंकल है। अच्छा, क्या लगता है आपको ये भी एक समस्या है कि पीढ़ी का परिवर्तन सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर हुआ, बाकी लगभग लगभग वही कैबिनेट है जो 2007 में थी? कैबिनेट के अलावा ऑफिसर्स भी वही आ गए हैं जो 2007 में थे, और उन ऑफिसर्स का एटीट्यूड यह है कि यह अभी हमारा बच्चा है चीफ मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह जी, इस एटीट्यूड के साथ वो पंचमतंत्र को चलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जावेद उस्मानी साहब चले गए थे 20-25 दिन की छुट्टी पर, क्योंकि उनके मर्जी के बगैर एक जूनियर ऑफिसर का तबादला कर दिया गया, इन्फॉर्मेशन भी दिए बगैर। खैर, वो बात आपस में छोड़ गया। आजम खान रोज आप देख ही रहे हैं कि क्या करते हैं, रोज आजम खान नाराज होते हैं। कि रामपुर जो है वो वेटिकन सिटी का दर्जा रखता है उत्तर प्रदेश में, स्वायत्त शासी क्षेत्र है वो, ये वहां की सरकार आजम खान है। ये बात किसी हद तक सही हो सकती है, बात किसी हद तक सही हो सकती है, और ऐसे ऐसे कितने वेटिकन सिटीज हैं उत्तर प्रदेश में, इसका हिसाब तो बड़ा मुश्किल होगा, और इसी वजह से फेलियर हो रहा है। लेकिन क्या अभी तो मुलायम सिंह जी सक्रिय हैं, तो मुलायम सिंह जी की अथॉरिटी भी क्यों नहीं दिख रही फैसलों में फिर? देखिए, मुलायम सिंह जी की अथॉरिटी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि कभी कभी मुलायम सिंह जी बहुत सही कह देते हैं। जब बात है कि परफॉर्मेंस पे दीजिए, 0 नंबर दे रहा हूँ, एक दिन 0 दे देते हैं, अगले दिन पूरी फैमिली घेर के बैठ जाती है, वो कहते हैं चलिए 100 नंबर दे रहा हूँ। तो इसलिए एतमाद लोगों का खत्म होता जा रहा है, और जैसे मैंने कहा ना कि जो सबसे पहले वादे हैं उन वादों को तो आप पूरा कर नहीं रहे हो, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर तो इतनी बुरी हालत है और ऑफिसर्स पे पकड़ ही नहीं, जो सबसे बड़ी खराबी की बात हुई है वही है। मसूद साहब, अखिलेश सरकार के 6 महीने पूरे हो गए, 15 मार्च को सरकार ने शपथ ली थी, इन 6 महीनों में सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर क्या है आपकी नजर में? उपलब्धि के नाम पे राइट्स है, कॉमनल राइट्स जो पहले नहीं हुए थे, ये उपलब्धि के नाम पर बिजली का न होना है, उपलब्धि के नाम पर पानी की नॉन अवेलेबिलिटी है, ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, उपलब्धि के नाम पर ऐसी सड़कें हैं कि जो 2 घंटे का सफर 6 घंटे में पूरा कराती, उपलब्धि के नाम पर बहुत है। लेकिन मसूद साहब कुछ वादे पूरे भी कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ते का एक बड़ा जी वो मैं कह रहा हूँ, उसके कुछ चेक बांटे हैं, सुनिए 10,000 चेक बांटे हैं, मैंने बताया 25 करोड़ बेरोजगार लोग हैं और उनको छोड़ करके जो 18 से 25 तक है, और 5 लाख ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है। लेकिन कुछ न कुछ से कुछ भला नहीं, नहीं ये कुछ नहीं है, आपने टोटल वादा किया हम नौजवानों को देंगे भत्ता, तो आप टोटल को दीजिए ना। मसूद साहब, लैपटॉप और टेबलेट खरीदने के टेंडर भी जारी जी कर दिए, उसमें तो 85% उसमें तो 85% इस सेंटर का पैसा होता है, 15% वो कोई, हाँ उसमें मतलब है 15% का रोल, तो वो कोई उसका वो नहीं। किसानों को कर्ज माफी का भी है कि भाई 50,000 रूपए का कर्ज माफ? देखिए, 50,000 एलोकेशन इन्होंने 500 करोड़ का किया है, अब आप अंदाज लगा लीजिए। मसूद साहब, अगर मैं कहूँ, आपका बहुत लंबा तजुर्बा है सियासत का, मतलब 4 दशक होने जा रहे हैं राजनीति में, आपको बहुत समय आपने इस पार्टी के नेतृत्व के साथ गुजारा, आप उस नेतृत्व का हिस्सा थे, अखिलेश यादव की 6 महीने की सरकार को 10 में से नंबर देने हो तो आपकी सुई कहाँ आकर टिकेगी? -10 -10
आपको नहीं लगता नौजवान मुख्यमंत्री के साथ थोड़ी जाती है? नहीं, मैं नहीं जाती कर रहा हूँ, लोग जाती कर रहे हैं। परफॉर्म करना चाहते हैं अखिलेश जी, लेकिन उनको परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा है। कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री को? देखिए, मैं ये पर्सनलाइज बातें हो जाएंगी, वैसे पता आपको भी है, पता उत्तर प्रदेश के हर आदमी को पता है कौन लोग हैं। अभी देखिए, एक सुनिए, ये दोहरा चरित्र के साथ असल में चलता नहीं। अभी एक वरिष्ठ मंत्री मुलायम सिंह जी के खेती गोलान हाइट्स पे कैसे करते हैं इसके ट्रेनिंग लेने के लिए इसराइल गए हुए हैं जी, और बाहर आप देते हैं इसराइल को गालियां कि इसराइल के साथ जो हाथ भी मिला लेगा हम उसके हाथ कलम कर देंगे। ये दोहरा, कब तक दोहरे स्टैंडर्ड चलेंगे? आपकी सरकार दो चेहरे लेकर चल रही है? दो चेहरे लेकर के नहीं, चेहरे तो कई लेकर चल रही है, दोहरा चरित्र लेकर चल रही है। चेहरे कई हैं? चेहरे कई हैं, चरित्र दो हैं। चरित्र दो हैं। मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रशीद मसूद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और नए जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ, वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान, लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार, हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी, विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी, आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। देहरादून में बाइक सवार बदमाशों ने दो महिलाओं के ऊपर फेंका तेजाब, महिलाओं के लिए काम करने वाली एनजीओ से जुड़ी हैं दोनों महिलाएं, आरोपी फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। टिहरी उपचुनाव के लिए कुल 23 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, नामांकन दाखिल करने वालों में कई उम्मीदवार करोड़पति, महारानी राजलक्ष्मी है सबसे अमीर उम्मीदवार। टिहरी उपचुनाव में राज परिवार के 3 सदस्य मैदान में कूदे, महारानी राजलक्ष्मी के बाद पति और देवर ने भी किया नामांकन, बीजेपी ने महारानी को बनाया है उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी को मिला रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, शुक्रवार को तृणमूल नेता मुकुल रॉय ने दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। रेल मंत्रालय मिलने पर सीपी जोशी ने पीएम का जताया आभार, कहा रेलवे की बुनियादी सुविधाओं में करेंगे इजाफा। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के दौरान हंगामा, प्रदर्शनकारी ने शर्ट उतार कर की नारेबाजी, डीजल के दाम बढ़ाने से नाराज। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का विवादास्पद बयान, कहा देश में पागलों की कमी नहीं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का विरोध, व्यापारियों ने जायसवाल के काफिले पर फेंका जूता।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मनमोहन पर साधा निशाना। यूपीए सरकार की नीतियां जनविरोधी, रिटेल में एफडीआई से किसानों व्यापारियों का होगा नुकसान।